नमस्कार। कितने कमाल का होता है ये दोस्ती का रिश्ता, जिसमें वजन तो होता है लेकिन कोई बोझ नहीं होता, बल्कि हम दिन भर ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो, कोई तो है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। तो दोस्ती के इस रिश्ते को समझिए, ये वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, और हमारा और आपका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है। तो आइए आज भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो आइए ज्योतिष गुरु के साथ आज के दिन को समझा जाए। सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर अपने और आपके बारे में जानेंगे आराम से, और फिर आज के दिन को करेंगे प्लान। कोशिश करेंगे कि आज का दिन कुछ ऐसा दिन बने जो हमारे पिछले दिनों से कुछ अलग हो। पहले पंचांग, आज 2 फरवरी 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। माघ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। अष्टमी तिथि है रात 8:04 तक और उसके बाद नवमी तिथि है। भरणी नक्षत्र है रात 11:11 तक और उसके बाद कृतिका नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 5:40 पर। आज भीषम अष्टमी है, भद्रा है सुबह 7:12 तक और शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं देर रात 2:18 पर। तो पंचांग हो गया, बात होगी मेष और वृषभ आपसे शुरू। तो सबसे पहले आपका राशिफल आपके सामने आएगा और उसके बाद आएंगे वो टिप्स जो आपसे कहेंगे क्या कीजिए और किससे बचिए। मेष राशि वालों की सारी सोच इस रूप से बनी हुई है कि अपनों का दिल कैसे जीता जाए और अपनों से मिलकर जिंदगी के सुख और समृद्धि को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे अच्छे विचार बनाने से ही इंसान उस दिशा में प्रयत्न कर पाता है। आपके अच्छे विचारों के साथ साथ लोगों के विचार भी आपके प्रति इस रूप से बन रहे हैं कि वो आपको भली भांति समझ सके और आपकी समृद्धि में अपना योगदान दे सके। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? भाग्यशाली समय है जिसके चलते आपकी प्रेरणा जगी हुई है और आप जिंदगी में बहुत कुछ बेहतर करने के लिए वचनबद्ध। अगर आपका कोई गलत फायदा उठाना चाह रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं ताकि आपके लिए बचाव बना रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी गलतियों की वजह से अपने लिए रुकावटें ना पैदा करें। अपने व्यवहार को सख्त बनाकर आप लोगों से मिली हुई अच्छाई को कहीं कमजोर ना करते चले जाएं। वृषभ राशि वालों के मन में किसी न किसी परिवर्तन को लेकर बहुत सारा असमंजस है और आप कई तरह के ऐसे विकल्प टटोल रहे हैं जिनसे फिलहाल दूर रहने की जरूरत है। इसलिए जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें स्थिरता बनाए रखते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है, पर किसी को भी कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा ताकि आपसी मतभेद को समय रहते संभाला जा सके। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? मुश्किलों के बने रहना स्वाभाविक सी बात है और हर कदम पर हर व्यक्ति को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इस समय की अच्छाई यह है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं और आपका प्रदर्शन काम के प्रति केंद्रित है, फिर भी आपके सामने लोगों के विचार सख्त हो सकते हैं जिसे भली भांति समझने की जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों की बातों में आकर आप अपना नुकसान न कर बैठें और अगर कोई आप पर किसी भी तरह का दबाव बना रहा है तो इस बात को समझें कि उसमें उस व्यक्ति का क्या स्वार्थ है। इसलिए अपनी उत्तेजना को बढ़ाकर आप कहीं अपना नुकसान न करते चले जाएं। अति उत्तेजित होने से बचना है आपको ताकि कोई नुकसान ना हो आपका। सवाल लेते हैं। सवाल है प्रमोद कुमार अग्रवाल का। डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1994, महेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है 7:30 पर रात में। आपके तारे डेली देखते हैं सुबह 8 बजे, बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सवाल दरअसल उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है। इन्होंने केमिकल ब्रांच से 2012 में इंजीनियरिंग की थी, इंटर्नशिप की फिर एक केमिकल प्लांट में, अभी MBA। कब तक इनको जॉब मिलेगी और आगे शादी का योग कब तक? प्रमोद जी आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा। आपकी बेटी की कुंडली है मिथुन लगन की और मिथुन राशि की, उसकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है मंगल की 2 अगस्त 2020 तक। आपने कहा कि आपकी बेटी ने 2012 में BA किया, फिर जॉब भी की, अब वो MBA कर रही है। अब फिर से कब कैरियर बनेगा, कब शादी होगी, ये सारे सवाल आपने पूछे हैं जी। देखिए कैरियर बनने का समय शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे से मई जून 2021 से बहुत अच्छा कैरियर बन जाएगा, तो कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं है, इसलिए चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ तक आपने शादी के बारे में पूछा तो शादी के बारे में सोचना चाहिए जी 2022 में। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क, अब आपके बारे में जानते हैं कि आज के दिन के योग कैसे हैं और आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके खर्चे बढ़े हुए हैं और अपनी योजना को बनाए रखने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। कोई प्यार का रिश्ता भी आपके जहन पर छाया हुआ है जिसमें आप अपने बड़े बुजुर्गों से समर्थन चाह रहे हैं, पर समर्थन मिलने में कोई ना कोई कमी रह सकती है। क्या करना चाहिए आने वाले एक सप्ताह में? आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके विचार बहुत प्रबल हो
हो सकता है आपके चाहने वाले अपनी बात कहते रहें और मनवाते रहें, इस वजह से भी आपका असंतोष बढ़ा हुआ हो सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में, जिस रूप से भी परिस्थितियां उभर रही हैं उसमें अपने हालात को कमजोर ना पड़ने दें और किसी भी वजह से किसी से तकरार की स्थिति ना बनाएं, क्योंकि कोई भी छोटी बात अगर किसी झगड़े में परिवर्तित हो जाएगी तो आपके हित में नहीं होगा। कर्क राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है, पर काम से जो लाभ बन रहा है या तो वो आपको नजर नहीं आ रहा और या आप उसे संभाल नहीं पा रहे, तो कुल मिलाकर स्थिति है कि पैसे से जुड़े दबाव उभर सकते हैं जिसे समय रहते संभालना भी होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में, किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपनी जानकारी को भी बढ़ाना होगा और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं पर आपको अपने पैसे को संभाल कर चलाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में, कामकाज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग सकता है पर यह समय रुकावटों भरा है, इसलिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। किसी भी विचार को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की भी कोशिश फिलहाल करना ठीक नहीं होगा। किसी भी विचार को आगे तो जरूर बढ़ाना चाहिए लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी नियंत्रित होनी चाहिए ताकि समझने का, आगे बढ़ने का, कुछ तय करने का सही मौका आपको मिल पाए। हम आगे बढ़ेंगे, सिंह और कन्या राशि आपको आज के दिन कैसे मौके दे रहा है और उस मौकों का कैसे आपको फायदा उठाना है, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी सुनिएगा ध्यान से अपने राशिफल के फौरन बाद। सिंह राशि वालों के हालात हर तरह से मददगार हैं और कामकाज से बड़ा लाभ कमाया जा सकता है। हो सकता है उस लाभ की वजह से आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करें या आपको पूरी तरह से समझ ना पाए, पर आप अपने व्यवहार की वजह से लोगों को नाराज करते चले जाएं, इस बात से बचने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, आपके प्रियजन आपको हर तरह की सहायता देना चाह रहे हैं और उसके चलते आपकी प्रेरणा भी जगी हुई है और आपकी मेहनत भी उभर कर आ रही और इसी अच्छाई का पूरा लाभ भी आपको मिल सकता है। क्या ना करें इस सप्ताह में, घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। अपने रवैये को भी ऐसा ना बनाएं कि आप व्यर्थ में लोगों से उलझते चले जाएं या लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाएं। लोगों से अगर तालमेल बनाए रखना है तो अपने प्रयास में किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना आने दें। कन्या राशि वालों के लिए गलतियों भरा समय और पैसे से जुड़े फैसले गलत हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी योजनाओं में और आपकी देनदारी पर असर आता चला जाए। आपकी अच्छी कोशिशों के बावजूद ये समय ऐसा है जिसमें आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में, जिंदगी के सुख और सुकून को बनाए रखने के लिए आपको अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा और अगर कोई चीज़ आपकी परेशानी का कारण बनी हुई है तो भी बहुत ज़्यादा सोचने से बचना होगा क्योंकि ऐसा करने से आप सिर्फ अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में, आप अपने हालात को संभालने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं पर आपकी कोशिशों के बावजूद कामकाज के क्षेत्र में आपकी गलतियां नजर आ रही। इस बात को समझ लें कि किसी भी छोटी बात को बिगाड़ते चले जाना ठीक नहीं है क्योंकि उससे आपका ही नुकसान हो सकता है। तो छोटी मोटी बातों को बिगड़ने नहीं देना है, काबू से बाहर नहीं होने देना है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। नुकसान होगा भी नहीं क्योंकि आप हैं हमारे साथ। सवाल लेते हैं, सवाल हमारे सामने है जो कि पूछ रही है एक महिला अपने पति के लिए। डेट ऑफ बर्थ 29/1/1971, 2:39 दोपहर बाद लुधियाना में हुआ है उनका जन्म। लिवर की प्रॉब्लम है और अभी उनके पास कोई रोजगार भी नहीं है। शॉप थी वो भी अब नहीं रही। कब तक फिर से दोबारा कामकाज स्टार्ट हो पाएगा, कब तक वो स्वस्थ हो पाएंगे जानना चाहती हैं। परिवार अभी कच्चा है तो पति कब तक फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। आपने अपने पति का डाटा भेजा है जी, उनकी कुंडली है कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की अगस्त 2021 तक। आपने कहा कि आपके पति बीमार हैं, लिवर की प्रॉब्लम है, एक शॉप थी वो भी बंद हो गई, तो बहुत चिंता की बात है और कुंडली भी कुछ हद तक चिंताएँ इस समय दिखा रही इस साल 2020 में। लेकिन 2021 से सेहत में भी सुधार हो रहा है जी और हालात भी बेहतर होते चले जा रहे हैं, भरोसा भी जग रहा है कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो ये सारी बातें अच्छी हैं। लेकिन ज़रूरी बात क्या है जी, लगातार इलाज कराना होगा और तब 2021 से फिर वो सुधार भी देखने को मिल जाएगा और फिर से जैसे ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं दिन कैसा है, करें क्या, बचें किससे। तुला राशि वाले रिश्तों के प्रति समर्पित हैं और अपनों का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं। अपनों के प्रति आपके विचार भी अच्छे हैं और आपकी इच्छाएं भी इस रूप से बनी हुई हैं
कि आप अपने प्रियजनों का ख्याल रख सकें और रिश्तों को संवार सकें। आपके अच्छे विचारों के बावजूद किसी प्यार के रिश्ते में थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखें जो लोगों को भी नजर आए और जिसमें आपकी ईमानदारी भी झलके। अपने व्यवहार में भी ऐसा धीमापन ले आए जिसके चलते लोग आपकी सूझबूझ की सराहना कर पाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? लोगों को अपनी बात कहने या मनवाने के प्रयास में आप लोगों से उलझते ना चले जाएं। इसलिए कुछ भी ऐसा ना करें जो आपकी अच्छी भली स्थिति को बिगाड़ता चला जाए। लोगों पर किसी भी तरह का दबाव बनाना इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि घर परिवार की खुशियों को बनाने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी होगा और अपने मन को दुखी करते चले जाने से भी बचना होगा। अपना व्यवहार बहुत शांत कर लें तभी जाकर आप ये सब कुछ कर पाएंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जिसे अपनों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और आपकी समृद्धि का एक कारण ये भी है कि आपने अपने लिए बचाव की स्थिति बनाने की कोशिश की। अगर कोई आपका गलत फायदा उठाए तो आपका नुकसान हो सकता है, इस बात को भी आपने भली भांति समझने की कोशिश की है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी के उकसाने के वजह से आप अपने व्यवहार को बिगाड़े नहीं और रोजमर्रा की मुश्किलों को बढ़ाएं भी नहीं। अपनी मेहनत से अपने कामकाज को फिर से नई दिशा दी जा सकती है और यह भी कोई छोटी बात नहीं। तो अपनी मेहनत से आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर सकते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखें। धनु और मकर राशि, देखिए अपने ऊपर भरोसा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर खुद पे भरोसा ना रहे तो कोई और आपको भरोसा दिला भी नहीं सकता। भरोसा रखिए, हम जो आपको बताएंगे बहुत काम की बात बताएंगे। धनु राशि वालों ने लाभ कमाने की प्राथमिकता बना रखी है अपने मन में और वो लाभ आपके काम और काम से जुड़ी मेहनत से ही बन रहा है, ये अच्छी बात है। पर उस अच्छाई में आपके आसपास के लोगों की अहम भूमिका बनी हुई है जो आपको हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आपका भरोसा भी इसी वजह से जगा हुआ है क्योंकि आपने अपनी अच्छाई बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को भी इसीलिए बढ़ावा मिला है क्योंकि हालात ने आपकी हर तरह से मदद की है। इस सारी अच्छाई को सहेज लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में भी उसके अच्छे फल आपको मिलते चले जाएं। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी को खुश करने के प्रयास में आप अपना नुकसान न करते चले जाएं क्योंकि नुकसान भरा समय, इसलिए कोई ऐसी गलती न करें जो आपकी लापरवाही के रूप में नजर आए। ऐसे लोगों पर भरोसा भी ना करें जिनके प्रति पहले भी अविश्वास बना रहा हो। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना हुआ है क्योंकि आपने अपने अंदर बहुत सारी व्यवहारिकता बनाने की कोशिश की है और उसी भरोसे के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़े हैं। आपके अपनों का साथ और सहयोग आपको मिला रहा है जिसने आपको सफलता के रास्ते पर चलने में मदद की है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कोई भी परिवर्तन आपको बहुत अच्छा लग सकता है पर उसके पीछे भी छुपी हुई कई ऐसी बातें हैं जिस बारे में ध्यान देना होगा ताकि अपने लिए बचाव पहले बनाया जाए और फिर किसी रास्ते को टटोलने की कोशिश की जाए। आंख बंद करके कोई नया रास्ता अपनाने से बचना होगा और हर चीज को भली भांति समझने की और संभालने की भी कोशिश करनी होगी। अपनी कोशिशों को बहुत ज्यादा केंद्रित करके चलने से ही आपके लिए लाभ की स्थिति बन पाएगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक है पर खर्चों के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि पीठ पीछे कोई आपको चकमा दे जाए। कुंभ और मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने और आपके सामने आएंगे आज के लिए कुछ अचूक टिप्स, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वालों ने अपने हालात को सुधारने के लिए मेहनत भी की है और उस मेहनत का अच्छा फल सफलता के रूप में आपको मिला भी है। यही वजह है कि तरक्की के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। तकदीर ने भी आपका इस वजह से साथ दिया है क्योंकि आपने अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी मेहनत को बनाए रखा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपके दोस्त भी आपका साथ निभा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से पहले समर्थन मिला था अब वो लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और इसी बात से खुद को बचाने की जरूरत है क्योंकि आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए उन रुकावटों की ओर भी नजर रखनी होगी जो इस समय बन रही हैं, जिसमें आपके बढ़ते हुए खर्चे भी शामिल हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज की स्थिति को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने में कोई कमी ना रखें, इसलिए व्यर्थ में अपनी गलतियों की वजह से आप लोगों को नाराज भी ना करते चले जाएं। जिंदगी में कुछ भी करने और पाने के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, ऐसे में अपनी ओर से फासले बनाते चले जाना भी ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा समय इसलिए है क्योंकि रोजमर्रा की रुकावटें बनी हुई। लोगों से जिस तरह के सहयोग की आप उम्मीद लगा रहे हैं उसमें भी कमी रह सकती है, जिस वजह से आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज ही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है, उस ओर ध्यान देना होगा और अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको कुछ बेहतर करने की और कुछ बेहतर
पाने की योजना बनानी हो, पढ़ाई के माध्यम से भी आप अपने भविष्य को बना सकते हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस सप्ताह में, अपने बेहतर होते हुए काम और काम से जुड़े लाभ को लेकर आप किसी भी वजह से लापरवाही ना बरतें। इसलिए कोई ऐसे परिवर्तन का विचार ना बनाएं जो आपकी मुश्किलों को या आपके दबाव को बढ़ाता चला जाए। अपने साथी सहयोगियों को किसी भी वजह से इस समय नाराज करते चले जाना भी ठीक नहीं। फिलहाल सब कुछ अच्छा हो ये तो हमारी शुभकामना रहती है, लेकिन जानना तो ये भी जरूरी है ना कि जैकपॉट किसके नाम खुलता है। आइए, मिथुन राशि वालों के लिए खास उपाय यह है जी कि आने वाले 4 शुक्रवार को किसी भी मंदिर में जाएं और लक्ष्मी माता की मूर्ति के आगे स्तुति कर लें। कभी कभी अपनी इच्छाओं से बढ़कर अपनों की इच्छाओं को पूरा करने का भी सोचना पड़ सकता है। ऐसे में अपना धैर्य बना रहे तो कुछ भी करना और कुछ भी पाना आसान हो जाता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और जिंदगी में दोस्ती के रिश्ते की बहुत कदर कीजिए। दोस्ती का रिश्ता बहुत वजनदार रिश्ता होता है, लेकिन कभी भी आपको बोझ का अनुभव नहीं होता है। तो फिलहाल हमारा ये भी कहना है कि कोई भी बोझ, कोई भी मुश्किल अगर आपके ऊपर है, लिख भेजिए आपके तारे aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। आज के लिए इजाजत, कल मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार।